हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एंडोमेट्रियल फंक्शन या फंक्शनल टेस्ट, EFT। बहुत कॉमनली जो है डॉक्टर यूज़ करते हैं EFT, किसी तरह की अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशली यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय जो है ये टेस्ट किए जाते हैं। इसका जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो है एंडोमेट्रियम के फंक्शन को चेक करने के लिए होती है कि जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। एंडोमेट्रियम की अगर आप पीछे पिक्चर देख पा रहे हैं तो ग्लैंडुलर सा जो है वो लेयर होती है जिसमें ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, स्ट्रोमा जो है वो प्रेजेंट होता है। तो EFT को समझने के लिए जो है हमें एंडोमेट्रियम को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। एंडोमेट्रियम हमने पहले भी पढ़ा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ चुके हैं। एंडोमेट्रियम की हमें पता है दो कंपोनेंट होते हैं, पहला जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, सेकेंड ग्लैंड बोलते हैं। स्ट्रोमा जो है जो बेस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है ग्लैंड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्ट्रोमा के अंदर टिश्यू हैं जो कि ग्लैंड्स को और एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखते हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रोमा होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, तो ये दो तरह की ब्लड वेसल देखते हैं हम, स्पाइरल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं और स्ट्रेट ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड को, ये स्ट्रक्चरल रोल तो है ही है इसका, जैसे कि आप देखते हैं कि ये टिश्यू जो है सपोर्ट करते हैं, होल्ड करते हैं एंडोमेट्रियम को और ग्लैंड्स को। अब यहाँ पर इनका जो फंक्शन है वो रेगुलेशन का भी होता है कि ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं उनके फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं। ग्लैंड जो होती हैं एंडोमेट्रियम की, उनकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो मेडिएट करती हैं इम्प्लांटेशन को। अब ग्लैंड जो होती हैं और उसके जो सरफेस के ऊपर सेल हैं जो कि ग्लैंड्स को कनेक्ट करते हैं, ये एक कनेक्शन बना लेते हैं बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम के बीच में। और यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं उनका अगर वो फंक्शन नॉर्मली नहीं करती हैं तो एंडोमेट्रियम कभी भी रिसेप्टिव नहीं होता है। रिसेप्टिव मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि रिसेप्टिव जो होता है एंडोमेट्रियम का वो पार्ट होता है जहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, और वहाँ पर रिसेप्टर और जो ब्लास्टोसिस्ट के बीच में एक इंटीमेशन होती है जिससे कि यहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इम्प्लांटेशन होती है। अदर किसी पार्ट में अगर ब्लास्टोसिस्ट टच करता है तो वहाँ पर जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं आता। तो पर्टिकुलर पार्ट जो है जो कि रिसेप्टिव हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, तो अगर ग्लैंड जो है फंक्शन नॉर्मल नहीं कर रही हैं तो एंडोमेट्रियम भी जो है वो रिसेप्टिव नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। और अगर फिर भी इम्प्लांटेशन हो गई, सपोज करो, तो क्या होता है, जो उस एरिया का जो एंडोमेट्रियम है जो कि एबनॉर्मल है वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है ब्लास्टोसिस्ट की वो पूरी नहीं कर पाता है, या अर्ली एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है नरिशमेंट की वो सब पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण मिसकैरेज जो है वो हो सकता है। एंडोमेट्रियम जो होता है एक यूनिक टिश्यू होते हैं जो कि वीमेन कि जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे जब वो फर्टाइल होती है उस समय ये ग्रो करता है, मैच्योर होता है, और इफ़ अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो हर मंथ जो है वो शेड आउट हो जाता है। तो इन सब को असेस करना कि क्या चेंजेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं, यही चेंजेस जो हैं ये बताते हैं एंडोमेट्रियम के फंक्शन को कि एंडोमेट्रियम प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं, चाहे उसका स्ट्रोमा है चाहे उसके ग्लैंड है। अब फंक्शनल टेस्ट क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम फंक्शन टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, पहले बहुत पहले जब क्या करते थे, एंडोमेट्रियम के जितने भी कंपोनेंट हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं उनको चेक करने के लिए एक छोटा सा सैंपल ले लिया जाता था एंडोमेट्रियम का और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते थे। ट्रेडिशनली यही होता था कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती थी, बायोप्सी में वही होते हैं कि थोड़े से टिश्यू जो एंडोमेट्रियम के ले लिए जाते हैं,
लेकिन वो स्पेशलिस्ट होता है, वो कोई गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है या कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये थोड़ा सा स्मॉल सैंपल जो है वो लेते हैं, उसको पहले फिक्स करते हैं, ठीक है, फिक्स द टिश्यू, और फिर उसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग में दो तरह की डाई का यूज़ करते हैं, हिमेटोजाइलिन और इयोसिन। और लेकिन जब स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग से हमें यही पता चल पाता है कि एंडोमेट्रियम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा कोई ग्रोथ फैक्टर या कोई फंक्शनल जो है जो डिटेक्शन है वो नहीं हो पाती थी कि कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर वो प्रेजेंट है या नहीं है, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही, ये सब जो है वो नहीं डिटेक्ट कर पाते थे। तो उसके बाद जो है बहुत सारी रिसर्च हुई, उसके बाद जो है ये एंडोमेट्रियल फंक्शनल टेस्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ये एकदम न्यू पेटेंट टेस्ट है जिसमें पेशेंट के चांसेस जो हैं कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मॉलिकुलर मार्कर है उनको एसेस किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे मार्कर, अभी हम आगे देखेंगे भी, जो कि एंडोमेट्रियम के पोटेंशियल में आते हैं और ये सपोर्ट करते हैं इम्प्लांटेशन को और नरिशमेंट को। अब दो चीज़ें हैं एंडोमेट्रियम की, एक इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा वो नरिशमेंट में हेल्प कर रहा है, और इन दोनों को कंट्रोल करने वाले डिफरेंट फैक्टर हैं। अब वो फैक्टर जो है जिनको मार्कर का नाम दिया जाता है, अब इन मार्कर की जो है एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक एस्टेब्लिश पीरियड होता है व्हेन इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस, यानी कि वो एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है, फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट मार्कर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उनसे असेस किया जा सकता है कि नॉर्मल फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये सुंदर सी पिक्चर है, ये देखिए, ये एंडोमेट्रियम है, इसमें ग्लैंड जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब ये मार्कर हैं कौन से जो एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं? सबसे पहले आप देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें दो फेज होते हैं, एक होता है प्रोलिफिकेशन फेज, एक होता है डिफरेंशिएशन। दो फेजेस हैं, प्रोलिफिकेशन और डिफरेंशिएशन। प्रोलिफिकेशन में क्या होती है, उसकी थिकनेस बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ग्लैंड देखिए, पहले सिंपल ग्लैंड होती हैं, फिर मल्टीपल ब्रांचिंग होती चली जाती हैं। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स को भी देखेंगे आप, ब्लड वेसल पहले एकदम स्ट्रेट हैं, ठीक है, नीचे आप देखिए फिर वो स्पाइरल होती जा रही हैं, इस तरह से मल्टीपल ब्रांचिंग जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, ग्लैंड्स के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये रिक्वायरमेंट होती है एंडोमेट्रियल की डेवलपमेंट में। तो एंडोमेट्रियल की जब डेवलपमेंट होती है, पहला हार्मोन एस्ट्रोजन जो कि प्रोलिफिकेशन को इंड्यूस करता है, सेकेंड जो है वो प्रोजेस्टिरोन होता है जो कि डिफरेंशिएशन को जो है इंड्यूस करता है, लेकिन वो साथ साथ प्रोलिफिकेशन को ब्लॉक भी करता है। ये दो मार्कर जो है एस्ट्रोजन, दो हार्मोन हैं जो कि डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में वर्क करते हैं। इसके अलावा कुछ मार्कर ऐसे हैं जो लॉजिकली सेग्रीगेट हो जाते हैं बिटवीन प्रोलिफिकेशन और डिफरेंशिएशन फेजेस में। अब आप यहाँ देखिए, एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ प्रोलिफिकेशन को इंड्यूस कर रहा है, प्रोजेस्टिरोन जो है वो प्रोलिफिकेशन को रोक रहा है, डिफरेंशिएशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, ये जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, पिंक, ठीक है, ये सब लाइनें जो है आप देखेंगे, ये एक सेग्रीगेशन है, एक डिफरेंशिएशन है, प्रोलिफिकेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में बहुत लॉजिकली सेग्रीगेट होती हैं। अब ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, चाहे वो प्रोलिफिकेशन फेज़ में हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन फेज़ में हैं, वो बताते हैं कि एंडोमेट्रियम का फंक्शन कैसा है। तो ये जो मार्कर है वो है पहला, जैसे साइक्लिन ग्रीन जो आप देख रहे हैं, साइक्लिन ई, ये रेगुलेट करता है गैप वन ऑफ एस फेज ट्रांजिशन ऑफ माइटोटिक साइकिल। फिर है जो ये P27, ये इनहिबिट करता है जो साइक्लिन ई को,
माउस, असाइटिस गोल्जी, माउस असाइटिस गोल्जी जिसको MAG बोलते हैं, लार्ज म्यूसिन होता है जो कि ब्लड में मिलता है ग्रुप ए और AB पेशेंट के अंदर। प्रोजेस्टिरोन रिसेप्टर PR जिसको आप कह सकते हैं, ये एस्ट्रोजन को अपरेगुलेट करता है, यानी कि उसकी अमाउंट को जो है वो पॉजिटिव साइड से रेगुलेट करता है या उसकी अमाउंट को बढ़ाता है। दूसरा जो है डाउन रेगुलेटेड बाय प्रोजेस्टिरोन। ये रिसेप्टर जो है ये ऑपोजिटली रेगुलेटेड होते हैं बाय दीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन के द्वारा। होमियोबॉक्स प्रोटीन है जो कि HOXA10, HOX, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। अल्फा वी या बीटा थ्री जो इंटेग्रिन है ये बाइंडिंग पार्टनर होता है फाइब्रोनेक्टिन का। ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर LIF जो कि सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। अब ये देखिए इसमें से आप देखिए लाइसिन ई है जो माउस एसिटीज जो है वो गोल्जी है, या PR है जो कि प्रोलिफिकेशन फेज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है ये ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर है, B13 है, बीटा 13 है, हॉक्स जो है जो होमियोबॉक्स प्रोटीन है ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, और P27 जो है जो कि साइक्लिन ई का इनहिबिटर है वो डिफरेंशिएशन फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो यूज़फुल मार्कर हैं जो कि एंडोमेट्रियम के फंक्शन में सेग्रीगेट होते हैं कि वो प्रोलिफिकेशन फेज में आएंगे या डिफरेंशिएशन फेज में आएंगे, और अगर ये मार्कर किसी इनअप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द साइकिल, यानी कि अगर मैं कहूँ PR जो है वो डिफरेंशिएशन में दिखना लग रहा है, LIF जो है वो प्रोलिफिकेशन फेज में दिखने लग रहा है, तो किसी तरह की अगर अप्रोप्रिएटनेस जो है वो नहीं दिखाई देती है, इट मीन एंडोमेट्रियम जो है वो एबनॉर्मली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि किस फेज में कौन से जो प्रोटीन फैक्टर जो हैं वो काम करते हैं या रिलीज होते हैं, वो अगर वो सही से नहीं है कि प्रोलिफिकेशन वाले डिफरेंशिएशन में दिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाले प्रोलिफिकेशन में दिख रहे हैं, तो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो हम कह सकते हैं एंडोमेट्रियम जो है वो एबनॉर्मल है। अब जब टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इवोल्यूशन आता है कि क्या असेस किया जाता है, ये डायग्नोज किया जाता है अगर एंडोमेट्रियम्स के फंक्शनल टेस्ट से। सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि किसी तरह की एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज्मिया तो नहीं है। एक कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिकनेस उसकी बढ़ जाती है। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, बहुत थिन है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज्मिया हो गया कि उसकी जो लाइनिंग है वो उसकी ग्रोथ जो है ज़्यादा हो गई, थिकनेस ज़्यादा हो गई, कैविटी जो है वो कम दिखाई दे रही है। एंडोमेट्रियल कैंसर, इसको यूट्राइन कैंसर भी बोल देते हैं, ये एक लेयर ऑफ सेल से शुरू होता है और धीरे धीरे ये लाइनिंग बना लेता है ऑफ द यूट्रस। यहाँ पर आप जैसे ये देख रहे हैं ये, ठीक है, इस तरह से ये ग्रो कर जाता है, डिवीज़न एंड डिवीज़न होते हुए कैंसरस फॉर्म में आ जाता है। कुछ होती हैं क्रोनिक एंडोमेट्रियाइटिस जिसमें क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी लोस जो है लगातार रिकरेंट होता रहे, या रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस देखने को मिलते हैं, या इनफर्टिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होता है, इनकी जो ट्रीटमेंट है वो लंबी चलती है। ठीक है, और जो एक्यूट एंडोमेट्राइटिस है ये जो है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ या मिसकैरेज के बाद या किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद देखने को मिलता है, सर्विक्स के अंदर, यूट्रस के अंदर। ये शॉर्ट टर्म वहाँ होता है, इन्फ्लामेशन होती है और ये जो है जल्दी रिकवर हो जाती है, इसकी ट्रीटमेंट देंगे तो ये जल्दी रिकवर हो जाती है। इसके अलावा कुछ परसिस्टेंट इम्प्लांटेशन साइट होती है
ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो, ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, यहाँ पर कहता है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो हैं जब एंडोमेट्रियम से टच करते हैं तो रिसेप्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो परसिस्टेंट इम्प्लांटेशन साइट है जिसमें ट्रोफोब्लास्ट जब किसी वुमेन को ट्रीटमेंट होती है कि किसी तरह की मोलर प्रेगनेंसी, तो नहीं, मोलर प्रेगनेंसी का मतलब है एक तो सिंपल प्रेगनेंसी होना जिसमें फीटस जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, और एक क्या होता है कि फीटस नहीं होता है, कोई और ही टिश्यू जो है वो ग्रो कर जाते हैं और उसको हम मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसको जो है वो रिमूव कर लिया जाता है, सर्जिकली उसकी ट्रीटमेंट दे दी जाती है। तो उस समय उस जो मोलर प्रेगनेंसी को जब रिमूव किया जाता है तो कुछ टिश्यू जो है वो पीछे रह जाते हैं यूट्रस के अंदर या एंडोमेट्रियम के अंदर, और जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट इम्प्लांटेशन साइट। तो EFT जब करते हैं तो इस तरह की डिटेक्शन जो है वो इजीली हो जाती है। कुछ प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है नरिशमेंट देते हैं डेवलपिंग फीटस को, और फिर जो है इनका प्लेसेंटा बनाने में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अगर इसमें जो प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्ट हैं उनके अंदर भी ट्यूमर हो सकता है, इसमें क्या होता है कि ये नियोप्लास्टिक प्रोलिफिकेशन हो जाती है जो इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं एट प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइट के अंदर, और कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिनको EFT के थ्रू जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। ये जितनी भी कंडीशन है ये बहुत ज़रूरी है टाइमली डिटेक्ट हो जाना, क्योंकि इसके बाद जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रेगनेंसी में, लेकिन इन चीज़ों को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और अपने इस टेस्ट से नहीं होकर जाते तो पता नहीं चलता कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, और एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है नरिशमेंट नहीं दे पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो मिसकैरेज के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले करवा लेनी चाहिए, कि EFT का टेस्ट जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले हो जाना चाहिए, ताकि वो टाइमली जो है उसकी ट्रीटमेंट या सक्सेस रेट जो है वो पहचानी जा सके। तो ये था EFT, थैंक यू।